नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं रियांस पोल्ट्री फार्म में। और दोस्तों ये फार्म जो है खरगोन ज़िले के लालपुरा गांव में स्थित है और इस फार्म की कैपेसिटी जो है 5000 बर्ड की है। इस फार्म का जो साइज है 180 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा। दोस्तों इस फार्म में निप्पल ड्रिंकर सिस्टम जो है मेरे द्वारा ही इंस्टॉल किया गया है और यह जो है उसकी यूपीवीसी की पाइपलाइन है। और देखिए यहाँ पे भी जो है मैंने प्रेशर रेगुलेटर का प्रयोग नहीं किया। यहाँ से देखिए सीधे नीचे से जो हमारा होस पाइप गया हुआ है ऊपर जो है हमारी निप्पल लाइन में लगा हुआ है। अब ये देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है 4 लाइन निप्पल की है और चारों लाइन में जो है आपको कहीं पे भी जो है प्रेशर रेगुलेटर या फिर कोई ऐसा सिस्टम जिससे जो है हमें पानी को रेगुलेट करना हो ऐसा आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो है मैंने पीवीसी की निप्पल लगाई थी जो टूट गई। हम जो है यहाँ पे ब्रास की निप्पल लगाते हैं तो वो बेटर रहता है, वो थोड़ी सर्विस देती है। तो देखिए दोस्तों इस फार्म में जो है 4 लाइन जो है आप ड्रिंकिंग लाइन की है और 3 लाइन हमें दाने की लगाई है। और दोस्तों दोनों साइड से जो हमने इस फार्म को जो है ओपन कर रखा है, ये देखिए ये हमारा निप्पल लाइन का ये चौथी लाइन का ये होस सिस्टम है। यहाँ पे भी देखिए आपको कहीं पे भी जो है प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम मैंने कहीं पे भी नहीं लगा रखा है। ये हमारी विंचिंग ये निप्पल सिस्टम है जो कि विंच से जो है हमने इसको ऊपर कर रखा है। इसमें पूरा सिस्टमेटिक काम किया हुआ है। विंचिंग सिस्टम के माध्यम से जो है हम ये निप्पलों को हम उठाते हैं। दोस्तों जो भी फार्मर भाई है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर वो विंचिंग सिस्टम लगा रहे हैं तो कभी भी एक ही ट्रेंच के ऊपर या एक एक इंची के ऊपर जो है आपको विंचिंग सिस्टम नहीं लगाना है। विंचिंग सिस्टम आपको जो है सीक्वेंस में लगाना है। वो मैं थोड़ा सा एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। किंतु देखिए ये विंच सिस्टम है और ये वाला सिस्टम जो है हैंगिंग वाला सिस्टम है और ये जो है ये बीच फार्म में लगता है। ऐसा नहीं कि इसको जो है आप कहीं पे भी एक तरफ लगा दें। और इसमें देखिए हर एक पाइप को जो है मैंने अलग अलग विंचिंग सिस्टम इसमें दे रखा है। वो मैंने आपको जो है वीडियो में देखिए हर एक विंचिंग सिस्टम अलग अलग पाइप के ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पाइप के ऊपर कभी भी पूरा लोड नहीं आएगा। देखिए 4 विंच सिस्टम है तो 4 अलग अलग पाइप के ऊपर दिया हुआ है। फार्म अभी फार्म का जो फ्लोर है नीचे का कच्चा है और हर बार जो है इसमें गोबर से जो है लीप देते हैं तो जिससे जो है फार्म में किसी प्रकार से पुराना कुछ बैक्टीरिया वगैरह नहीं रह जाता। उसमें चूना डाल के और लीप देते हैं, उसके ऊपर से भी चूना डाल देते हैं और उसके साथ में स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों इसमें जो ये है एंड सिस्टम है और एंड सिस्टम में हमने जो है यहाँ पे पीवीसी के वाल्वों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हम पीवीसी की जगह हम यूपीवीसी के भी वाल्वों का आधा इंच के वाल्वों का प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है फाल चिलिंग की गई है जो कि करीब 5 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों यह ओपन फार्म है किंतु इस फार्म का डिजाइन जो है कुछ इस प्रकार से है कि इसको आसानी से इसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों इस फार्म में एक और जो ये देखिए इनमें जो पार्टीशन है, पार्टीशन जो है जाली का प्रयोग किया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से पार्टीशन किया गया है। इनको इंस्टॉल करना आसान होता है, इंस्टॉल इसके साथ में भी आसान होता है। दोस्तों अब इस फार्म में जो है ये विंटर सीजन के कारण जो है नया कर्टन लगाया जा रहा है। और दोस्तों इसमें जो है विंचिंग सिस्टम लगा हुआ है। विंचिंग सिस्टम मतलब कि यहाँ से हम जो एक जगह से जो है पाइप को हम उठाना चाहें अगर पूरे कर्टन को तो हम एक ही जगह से पूरे कर्टन को हम उठा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है हम एक वो आधा इंच का हम जो है एमएस पाइप का भी प्रयोग कर सकते थे। उसमें 4 केजी या फिर 5 केजी का हम आधा इंच का गोल वाला हम एमएस पाइप का प्रयोग कर सकते थे किंतु इसमें जो है चौकोर पाइप का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस फार्म से संबंधित किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट कर